एनसीईआरटी मैथ क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए बी सी डी ई. वी सी हियर पार्ट ए 5% ऑफ इट इज 600. तो यू सी हियर 5% ऑफ के जगह पे हमने रख दिया मल्टीप्लाई, इट के जगह पे हमने ले लिया एक्स, इज के जगह पे इक्वल टू 600 और परसेंट हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 100. तो यू सी हियर एक्स इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5. ये हमने इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये इसके साथ. तो ये हो गया 5 के टेबल में दो बार 20, 6 टू जा 12 और ये हो गया 12,000. दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट. नाउ वी सी पार्ट बी. 12% ऑफ 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज. फिर इट के प्लेस पे हम एक्स रख देंगे. 12 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1080. 12 के टेबल में 9 टाइम्स में 108 आता है और ये जीरो अपने प्लेस पे. तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 90 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स में 1 का मल्टीप्लाई होगा. हियर एक्स इज इक्वल टू 9,000 रुपीज. दिस इज आंसर नंबर पार्ट बी. वी सी हियर पार्ट सी. 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर. 40% के मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट के प्लेस पे वी पुट हियर इक्वल, वी पुट हियर एक्स एंड द प्लेस ऑफ इक्वल वी पुट हियर 500. तो यू सी हियर एक्स इज इक्वल टू ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4040. तो ये इससे कैंसिल. 4 के टेबल में ये मिलेगा 25 टाइम्स. 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और यहाँ का 10 इतना किलोमीटर. दिस इज योर किलोमीटर बिकॉज हियर इज योर किलोमीटर. तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1250 किलोमीटर. वी सी हियर पार्ट डी. 70% ऑफ इट इज 14 मिनट. तो 70% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट के प्लेस पे एक्स इज इक्वल टू 14. तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल. 7 के टेबल में ये 2 टाइम्स. तो x इज इक्वल टू 20. 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट्स. नाउ पार्ट सी पार्ट ई. वी सी हियर पार्ट ई. 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स. तो यू सी हियर 8 मल्टीप्लाई इट के प्लेस पे x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4040. 8 के टेबल में 40 मिलेगा 5 टाइम्स और 100 से 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 500 लीटर्स. दिस इज आंसर नंबर पार्ट ई एंड हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट डी. थैंक यू.